दोस्तों आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब से भारत के तीनों फॉर्मेट के पूर्व कप्तान विराट के छीनी गई है उस समय में भारतीय टीम का भूचाल मचा पड़ा है और इसके बाद विराट के फैंस ने ट्विटर पर बीसीसीआई के खिलाफ अपमानजनक बातें भी कही है। हालांकि इन सब के बाद आखिर में रोहित शर्मा को सीमित ओवर का कप्तान घोषित कर दिया गया और इस दौरान हाल ही में जब राहुल द्रविड़ से सवाल किया गया कि विराट की कप्तानी जाने के पीछे उनका भी हाथ है तब वो जो राहुल द्रविड़ ने कहा आइए जानते हैं इस बारे में। दोस्तों हम आपको बता दें दोस्तों जब भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तब उस दौरान उनसे विराट की कप्तानी से जुड़े सवाल कई पूछे गए जिस पर राहुल द्रविड़ ने कहा कि इस मुद्दे पर व्यक्तिगत तरीके से बात करने का यह सही समय नहीं है, यह फैसला चयनकर्ताओं का था। जिसके बाद यह बात लगभग साफ ही की कि विराट की कप्तानी हटाए जाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ चयनकर्ताओं का ही है। उन्होंने कहा कि यह फैसला चयनकर्ताओं का था। दोस्तों हम आपको बता दें और फिलहाल इस पर व्यक्तिगत रूप से बात करने का यह उचित समय नहीं है। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने विराट कोहली के पहले प्रदर्शन के बारे में बात की, उन्होंने इसकी तारीफ भी की और इस दौरान उन्होंने विराट के व्यक्तिगत और कप्तानी दोनों चीजों को लेकर उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि विराट की कप्तानी में भारत ने बहुत अच्छी तरीके से मैच को जीत हासिल की है। दोस्तों हम आपको बता दें और भारतीय टीम के फिटनेस ऊर्जा और महत्वाकांक्षाओं के क्षेत्र में अंजाम करने में विराट ने लगी बड़ी योगदान की है जो कि बेहद अच्छी बात है और उनकी योगदान की वजह से आज भारतीय टीम बहुत अच्छी ऊंचाइयों को छूने में लगी हुई है। दोस्तों बीसीसीआई और चयनकर्ताओं की तरफ से विराट की जगह रोहित शर्मा को सीमित ओवर का कप्तान नियुक्त किया गया और इसके साथ ही रोहित शर्मा को टेस्ट का उपकप्तान भी घोषित कर दिया गया। हालांकि फिलहाल रोहित चोटिल होने के चलते टीम से बाहर, इसलिए अभी केएल राहुल को टेस्ट का उपकप्तानी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है और इस जिम्मेदारी को राहुल बेखूबी से। दोस्तों आपको क्या लगता है रोहित और कोहली में कौन है बेस्ट कैप्टन, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि ऐसे आने वाली हर नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, तब तक लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।